नहीं, पहले आप बताइए। लेकिन मुझे फख्र है विजय सांपला जी पर, जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कर्मठ सिपाही रहे हैं जिन्होंने सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी के आदर्श चार में आया, स्वयं सेवक कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन को दिया। बहुत ही मेहनत कश, ईमानदार, जुझारू, संघर्षशील कार्यकर्ताओं के लिए रात दिन एक करने वाले वो व्यक्ति, जिनको पार्टी ने और सब कार्यकर्ताओं के प्यार से, जिन्होंने अनेक पदों पर सेवा करने का उनको सौभाग्य मिला है, वह पार्टी के माध्यम से कार्यकर्ताओं के प्रेम के कारण से चेयरमैन भी रहे, वह सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इनकी उम्र में कितने लोग हैं जो देश में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इतने बड़े पदों पर पहुंच पाए, ये सब इनकी मेहनत, कार्यकर्ताओं का प्रेम और पार्टी संगठन का इनके ऊपर आशीर्वाद रहा। आज भारत में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो देश के सामने है, ये दिल्ली में आने वाले 2019 के इस चुनाव के बाद एक मजबूर सरकार बने या एक मजबूत और निर्णायक सरकार बने, और विजय सांपला जी नरेंद्र भाई मोदी जी के वो सिपाही हैं, वो सच्चे सिपाही हैं, ये अपने खून की आखिरी बूंद का कतरा कतरा भी उनको बहाना पड़े, वह नरेंद्र भाई मोदी जी को देश में प्रधानमंत्री पुनः देखना चाहते हैं। और ये संकल्प आपने अभी देखा कि व्यक्तिगत तौर पर उनको पीड़ा और तकलीफ के बावजूद भी उनका संकल्प पहले से ज़्यादा मजबूत है, और वह निश्चित तौर पर होशियारपुर हो, पंजाब हो, देश में जहाँ भी इनको संगठन काम देगा, ये काम करने वाले हैं, और संगठन भी आने वाले समय में, भविष्य में विजय सांपला जी की सेवाएं आज से भी कहीं ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में लेने वाले। सर, आप बोल रहे हो कि मोदी जी के संग को, आप ये बात भी बोल रहे हो कि उनको पार्टी ने झुकने नहीं दिया। चुनाव लड़ने की रणनीति के कई कारण होते हैं, और टिकट पहले आपको मिली, अब किसी दूसरे व्यक्ति को मिली, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत सारे कारणों को ध्यान में रखकर के फैसला है। इससे किसी कार्यकर्ता का ना तो कद बढ़ता है ना कद घटता है, कम से कम विजय सांपला जी लोगों के दिलों में बसे हुए वो नेता है जो पार्टी जिनके सम्मान को बढ़ाने का ही काम करेगी। टिकट अब इनका जो कद है, इनके कद के लिए टिकट बहुत छोटी चीज हो गई। सर, लोगों का काम करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है अंत्योदय का उदय, नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं उदय का अंत हो रहा है? ऐसा नहीं।